करते हैं एक मिनट में प्राइवेट का एक मिनट नाम बताइए सर अवनीश कहाँ से सर मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ 5 साल से पास कहाँ था मंत्री उत्तर प्रदेश के लिए क्या हो रहे हैं क्या लगता है 5 साल में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने विकास किया सर विकास तो किया है 2 साल तो की रही सरकार 2 साल के बाद जो विकास हुआ है वो कावर टोल विकास हुआ है चाहे आप ले लीजिए एक्सप्रेस वे ले लीजिए लखनऊ मेट्रो ले लीजिए चाहे कन्या विद्यम पर ले लीजिए लैपटॉप देने की प्रक्रिया हो और जो लोग कह रहे हैं कि लैपटॉप जो विकास में कहीं ना कहीं आनाकानी की गई है मुझे तो नहीं लगता है कहीं भी एक कदम को लेकर के किया गया हो सरकार ने सभी जातियों के लिए सोचा है अगर लैपटॉप दिया गया है तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा था लैपटॉप का चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे सरकार हो चाहे SC ST हो जिन लोगों ने फॉर्म भरा उन सबको सुविधाएँ दी गई लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सरकार केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है लेकिन युवाओं के बारे में कोई भी सरकार नहीं सोच रही है जो भी सोच रही है चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में सोच रही है सेंटर एम्प्लॉय के बारे में सोच रही है लेकिन जो क्षेत्र में जो प्राइवेट जैसे मैं आज नौकरी कर रहा हूँ 4,500 रुपये हमारी मेरी सैलरी है हम लोगों के लिए कोई भी सरकार एक्टिव नहीं है और ना हम लोग के विकास के बारे में यूथ के बारे में कोई भी सरकार इसका सोच नहीं रही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कि मैंने नौजवानों को रोज़गार मिला क्या लगता है नौजवान रोज़गार मिला कहीं ना कहीं नहीं मिला है 30% लोगों को रोज़गार मिला हो लेकिन 85% लोगों को रोज़गार उत्तर नहीं मिल पाया तो आज बेरोजगार की दशा में है बाल मजदूरी के लिए भी आप देख लीजिए कोई भी सरकार अंकुश नहीं लगा रही है लगातार बाल मजदूरी हो रही है मैं कहीं आपके माध्यम से हमसे ये कहना चाहूँगा सर कोई ऐसा नियम बना दे जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे आज 20 रुपये की रोज पर बाल मजदूरी कर रहे हैं उनके परिवार से जाकर मिले कोई आर्थिक सहायता ऐसी कर दें कि उन बच्चों की बाल मजदूरी ना करनी पड़े पढ़ाई करें की स्कूल में जा करके वो भी अपना भविष्य बना सकते हैं धन्यवाद